कृष्ण। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन एक माँ अपने 5 साल के बच्चे से सवाल करती है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो उस समय वो बच्चा बोलता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे कान है। लेकिन माँ कहती है, नहीं, कितने बहरे लोग बहरे होकर भी अपना जीवन साधारण तरीका से बिता सकते हैं। कुछ साल बाद फिर से वो माँ अपने बच्चे से वही सवाल को पूछती है और वो लड़का कहता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे आंख होते हैं। लेकिन माँ कहती है, नहीं, कितने अंधे लोग अंधे होकर भी अपना जीवन नॉर्मल तरीका से बिता सकते हैं। लेकिन एक दिन जब ये लड़का 16 साल का हो जाता है, तब उसकी दादा का मृत्यु हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे लोग उस परिवार में आते हैं और दादा के मृत शरीर के पास आकर रोने शुरू करते हैं। उनके दूर के रिश्तेदार लोग, उनके मित्र लोग और उनके करीब के लोग, सब लोग आकर उनके मृत शरीर के पास आकर रोने शुरू करते हैं। उस समय उस छोटे से लड़के की माँ उसको पास में बुलाकर वही प्रश्न को पूछती है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो उस समय वो कहता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा कंधा है, हमारा शोल्डर्स। उसकी माँ कहती है, आज तुमने सही जवाब दिया, क्योंकि जो हम इस दुनिया में बड़ा काम करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, जो हमारे पास धन दौलत है, हमारे मरने के बाद कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। लेकिन जब हम हमारे कंधे के सहारे दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन सब बातों को हमारे मरने के बाद लोग याद रखते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन माता कलीसिया ऑल सोल्स डे या मृत विश्वासियों का दिन को आचरण करती है। तो आज के दिन में हम विशेष करके हमारे प्रिय परिवार वाले जो हैं, जो मर गए हैं, उनके कब्र के सामने आकर उनके कब्र को सजाते हैं, अचार से हम सजाते हैं और कैंडल जलाते हुए रोजरी माला विनती करते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में हमें मुख्य रूप से दो बातों को याद रखना है। सबसे पहले यह है कि मृत्यु कब और कैसे हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। और हर एक को, हर एक इंसान को जो इस दुनिया में जन्म लेता है, उसको एक न एक दिन मरना ही है। इस सच को हमें आज के दिन मानना है। आज के दिन कई सारे माँ बाप अपने मृत बच्चों के कब्र के सामने बैठकर रो रहे होंगे उनके याद में। आज के दिन कई सारे बच्चे अपने माता पिता जो मर गए हैं उनको याद करते हुए रो रहे होंगे। आज के दिन कई सारे पति अपनी पत्नियों को याद करते हुए, कई सारी पत्नी अपने पति को याद करते हुए और दोस्त लोग अपने मित्रों को याद करते हुए उनके कब्र के सामने आकर बैठकर प्रार्थना करते हुए रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे। लेकिन आज के दिन हमारा प्रभु यीशु हम सबको जो रो रहे हैं, जो दुख में है, जो दर्द में है, सबको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हमारा विश्वास होना है। जो हमारे प्रिय भाई बहन जो मर गए हैं, वो एक न एक दिन हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के साथ पुनरुत्थान होंगे। दूसरी बात आज के दिन हमें याद रखना है कि हमारे प्रिय लोग जो मर गए हैं, उन सबके आत्मा की शांति के लिए हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए हमारी प्रार्थना की जरूरत है। हमारे प्रिय लोग जो जब इस संसार में थे, तो शायद जाने अनजाने उन्होंने छोटा मोटा गलती किया होगा, छोटा मोटा पाप किया होगा और इस तरह से पाप में मर गए होंगे। तो इसके कारण आज उनकी आत्माएं शोधक अग्नि में होगा, क्योंकि वहां में शोधक अग्नि में उनकी आत्माएं पवित्र बन रहा है। क्योंकि हमें पढ़ने को मिलता है इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 14 में, बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा सकता है। इसलिए शोधक अग्नि में या परगटरी हम बोलते हैं, वहां पर जो भी आत्माएं हैं, हमारे परिजनों की आत्माएं जो हैं, वहां में उनका पवित्रकरण हो रहा है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, उसके बाद ही वो स्वर्ग राज में जा सकते हैं।
इसी कारण हमें पढ़ने को मिलता है ज्ञान के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 5 में, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा समय के लिए थोड़ा कष्ट सहने के बाद शोधक अग्नि में जो भी आत्माएं हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा उन्हें महान पुरस्कार, स्वर्ग राज्य का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। हमें पढ़ने को मिलता है मक्कबियों के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 39 से 43 में, जूडस मक्कबिस के बारे में। जूडस मक्कबिस यहूदियों का नायक था। तो जब यहूदियों के बीच और शत्रुओं के बीच युद्ध हो जाता है, युद्ध में कई सारी सिपाही मर जाते हैं, और उसके बाद जब ये मरे हुए सिपाहियों का मृत शरीर को जब यहूदी लोग इकट्ठा कर रहे थे, तब उनको उनके शरीर में अन्य देव मूर्तियों के ताबीज को बांधा हुआ उनको मिलता है। उस समय जूडस मक्कबिस अपने साथियों को सबको बुलाकर वो कहता है कि हमारे सिपाही लोग ईश्वर के लिए लड़ रहे थे, अच्छा कार्य वो कर रहे थे, लेकिन चुपके से उन्होंने देव मूर्तियों की पूजा भी किया है, उन्होंने पाप किया है, इसलिए वो पाप में मर गए हैं। इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य बनता है हमें इनके पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए वो क्या करता है, सब लोगों को इकट्ठा करते हुए उन सिपाहियों के मृत शरीर के पास सब लोग इकट्ठा होकर वो लोग प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, प्रार्थना करने के बाद सबसे वो चंदा इकट्ठा करता है, करीब 2000 रुपया चंदा इकट्ठा कर वो जेरूसलम मंदिर में बेचता है, ताकि वहां पर इनके आत्मा की शांति के लिए, वहां पर उनके पापों के प्रायश्चित के लिए वो लोग बलि चढ़ा सके। ठीक उसी को हम आज के दिन दोहराते हैं, हम हमारे परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके साथ साथ मिस्सा बलिदान में उनके लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए हम बलि चढ़ाते हैं। सन्मति को सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो मेरा पिता निश्चय ही उसको देगा। निश्चय ही जो भी हम पृथ्वी पर प्रभु के नाम पर मांगेंगे तो प्रभु हमें उसे प्रदान करेगा। यही हमारा विश्वास है कि आज के दिन विशेष करके हमें हमारे परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जब मुक्ति मिलती है, जब वे स्वर्ग राज में जाते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमें पढ़ने को मिलता है ज्ञान के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 1 में, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। हमारा विश्वास यही है कि हमारे परिवार में जो भी मृत विश्वासियों की आत्माएं हैं, वो भी ईश्वर के हाथ में रहें, ताकि शोधक अग्नि में जो भी है, जो जिनके लिए हम प्रार्थना करने के लिए आज के दिन आए हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग राज्य में उन्हें प्रवेश मिले। साथ ही साथ हमारे परिवार पर, उनके जरिए हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर उनका आशीष मिले। इस विशेष कृपा के लिए आज के इस दिन में हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबों को जय जय श्री।